आप साइकोलॉजी में क्वेश्चन छोड़ दिए मतलब आप बहुत बड़े नालायक हैं। आप ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि मेरा विचारधारा इस चीज को लेके, तुम्हारी विचारधारा सही भी हो सकती है गलत हो सकती है, बट तुम्हारा बताना क्या है, उसकी जिम्मेदारी अब तुम बताओ ही ना। ये तो सबसे सेफ साइड गेम हो गया। पढ़ने में टाइम तो लगता है, 30 मिनट है, 45 क्वेश्चन है, रीजनिंग भी है, तो हर चीज समय लेती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। प्रैक्टिस से क्या फायदा होता है सर, कि जैसे क्वेश्चन दिखा सेम क्वेश्चन, नहीं तो आपको चारों ऑप्शन में भी R&D करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसमें जो ऑप्शन है सारे गलत हैं, क्या कोई ऑप्शन गलत है क्या भाई? नेचुरली अगर आपको गाइड ना किया जाए तो आदमी क्या पहला लाइन बोलेगा, कंप्लेन करो, चिल्ला देंगे, हम करते क्या हैं, सर देखो ये नकल कर रहा है, हमको भी दिखाओ बे। अब ये आपका हथियार है, और कहते हैं जब अपना हथियार होता है तो अपनी पकड़ होती है, फिर जहां मौका मिलता है चलाने में देरी नहीं होती है। तो दूसरों से केवल बेटा आपको गाइडेंस लेना है, और उस टॉपिक की रिप्रेजेंटेशन किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो वो आपके ही माइंडसेट से निकल के आनी चाहिए। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी एयरफोर्स की। तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 5:30 की रिपोर्टिंग है आप सबकी, और बड़ा बेहतरीन टाइम होता है, बड़ा दिमाग फ्रेश रहता है उस टाइम पे, क्या रहते हैं बिल्कुल। एंड मॉर्निंग रिपोर्टिंग के बाद ऑब्वियसली एयरफोर्स के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो डॉक्यूमेंटेशन। कितने बच्चे इसमें पहले गए हुए हैं, हाथ उठाएं। तो आप तो वेल नोन है, आप तो जान ही रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन प्रायोरिटी क्या रहती है बेटा, सबसे ज़्यादा रहती है। ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग रेस होती है, दो ग्रुप आपके बांट दिए जाएंगे, डिपेंड करता है कि 240 हैं, 270 हैं, 300 हैं, मैक्सिमम 300 ही होता है, उस हिसाब से आपके ग्रुप बांट दिए गए हैं। रेस कंप्लीट हुई, रेस के बाद ऑब्वियसली आपके पुशअप्स हैं, आपके स्क्वाट्स हैं, आपके सिटअप्स हैं। ध्यान रखने की बात यह कि केवल क्वालिफाइंग है, और इसमें बहुत ज़्यादा चिंता इसलिए भी नहीं करना बेटा क्योंकि 6 मिनट 30 सेकंड है, तो 6 मिनट 30 सेकंड है, और आप 6 मिनट 30 सेकंड में भी करेंगे तो आपको एयरफोर्स बाहर नहीं करेंगे, आप वहाँ अंदर जाएंगे। मतलब आर्मी वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि लाठी लेके दौड़ा लेंगे कि 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट हो भगाओ बाकियों को, तो उधर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। तो घबराना नहीं है, 6 मिनट 30 सेकंड है, तुम लोगों को टारगेट लेके चलना है कि 5:30 में बेटा आपकी रेस क्या हो जानी चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो मान लो 30 सेकंड का ऊपर नीचे भी हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि नया प्लेस होता है, प्रेशर होता है, तो लाजमी है कि अगर हम बिफोर तैयारी किए रहेंगे तो वहाँ हमारा ऑन टाइम करने में हमको दिक्कत नहीं होगा। ऑब्वियसली ये क्वालिफाइंग है बेटा, क्या है, इस फेज से आगे बढ़े, डॉक्यूमेंटेशन डन हुआ, और ऑब्वियसली अब आप अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की ओर बढ़ चुके हैं। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की जब बात की जाती है तो ये बात आपको बहुत स्पष्टता समझ लेना है बेटा कि दो तरह के टेस्ट हैं वहाँ पर। पहला आपका SRT है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ऑब्वियसली 45 क्वेश्चन हैं आपके सामने, 30 मिनट्स का टाइम है बेटा। घबराना इसलिए नहीं क्योंकि पेपर हिंदी में भी है, और तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है आपके लिए, और बड़े जेन्युइन क्वेश्चन रहते हैं, क्या रहते हैं, ऑब्वियसली बैक टू बैक आपका DFT होगा, क्या होगा बेटा, जैसे 30 मिनट ये डन करेंगे देन यू विल प्रोसीड फॉर योर DFT, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट हो गया। 15 मिनट का आपको स्मूथ समय मिला, 20 क्वेश्चन बड़े जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, और एयरफोर्स का पेपर दे के आए हैं तो बहुत बड़ा हमको इस बात को लेकर संशय नहीं है, आप उसमें अच्छा करेंगे। इनके दोनों रिजल्ट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, ज्वाइंट रिजल्ट आते हैं, क्या आते हैं बेटा, अमूमन आप समझ के चलिएगा कि जो रिजेक्शन का पार्ट है ना, PFT से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होता है। अब जो दौड़ ही नहीं पाएगा उसके लिए मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, 5-10 बच्चे मैक्स आपके ये पुशअप से, स्क्वाट से, सिटअप से बाहर होते हैं। हाँ, रेस में तो रेस जो कर ही नहीं पाए उसके लिए मैं बात क्या करूँ, ये संभावित नहीं है, ये डिपेंड करता है। बट अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में भी हमने किसी को भी 10-5 बच्चों से ज़्यादा कभी बाहर होते हुए नहीं देखा, जो बहुत बड़े नालायक हैं। आपका कितना रिपोर्टिंग था बच्चा बैच का वहाँ पे? 530। नहीं, मतलब कितने बच्चे थे टोटल? 270। दो ग्रुप बना होगा आपका? जी। कितने रेस से बाहर हुए बेटा? 60% 60% रेसेस बाहर हो गए? कहाँ के थे भाई? अच्छा अच्छा, कहाँ सेंटर था आपका बच्चा? अच्छा, कानपुर ही था भैया। अच्छा, ऑडिबल कोई बात नहीं, इनकी आवाज़ रिपीट करेंगे, थोड़ा तेज बोल दीजिएगा बेटा, उनको सुनाई दे वहाँ तक, ठीक है। तो फिर आपका जब पुशअप स्क्वाट सेटअप्स हुआ इसमें कितने लोग बाहर हुए? 3 कैंडिडेट्स केवल बाहर हुए, इसमें कम हो जाता है। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में कितने बाहर हुए? 13 इसमें भी बाहर हुए, अमूमन इतने नहीं होते इसमें, मतलब इन पे भी संख्या काफ़ी कम है। असल बाहर तो जाके कहाँ कर दें? बच्चे तो जरूर क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अच्छा, कमांडर सर ने पहले ही बोला था कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, हर चीज़ अप्रोच करना, क्योंकि उससे आपका माइंड सेट पता चलता है। क्या पता चलता है? आप साइकोलॉजी में क्वेश्चन छोड़ दिए मतलब आप बहुत बड़े नालायक हैं,
आप ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि मेरा विचारधारा इस चीज को लेके, तुम्हारी विचारधारा सही भी हो सकती है गलत हो सकती है, तुम्हारा बताना क्या है उसकी जिम्मेदारी, अब तुम बताओ ही ना, ये तो सबसे सेफ साइड गेम हो गया। तो सही कह रहे हैं आप, उस पॉइंट पर रिजेक्शन आ जाता है। बहुत बढ़िया, डीएफटी में कैसा आपका परफॉर्मेंस हुआ था? बढ़िया हुआ था। तो फाइनली जीडी जाके लफड़ा किया आपके लिए, वेरी गुड। तो जीडी में जो है कितने लोग बाहर हुए, टोटल कितने बचे थे डीएफटी मतलब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन के बाद 270 में? 80 के आसपास बचे होंगे, वही 50 मतलब काटते चले गए लाइन, हाँ 80 के आसपास। तो फिर उसके बाद जो है जीडी से कितना बाहर किए? जीडी में हमारे ग्रुप में तो अबाउट 7 बाहर हो गए। कितने का ग्रुप था बच्चा आपका? 15। तो मतलब 50% बाहर किए, बात ही खत्म हो गई। मतलब वो 40 से ज़्यादा नहीं लिए हैं वहाँ पे, 80 में फाइनली कितने फाइनल हुए होंगे? 40 के आसपास ही फाइनल हुआ होंगे। कहाँ आपको कमी अपने अंदर लगी थी बेटा? इंट्रोडक्शन में लगा था कि नरेशन में नहीं बोल पा रहे, जैसे इंग्लिश के वर्ड हिंदी के वर्ड है तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं जी। कभी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए आप? Yes, हाँ बेटा प्रैक्टिस करिए, उस कमी को अब आपको बनाए नहीं रखना, उसको आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देना है। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन एंड टेस्ट टू की जर्नी शुरू हो गई, ठीक है ना। अब टेस्ट टू में जब आप आ जाते हैं तो लाजमी से बात तो अगला फेज है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बताओ बच्चा। सर ऐसा क्या होता है सर कि इतना बताए किस चीज़ में बेटा? SRT? एक्चुअली बच्चा वो ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑब्वियसली कोचिंग नहीं लिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उन्हें ये लगता है कि मुझे पता ही नहीं पैटर्न उनको, तो उनके लगता है अगर मुझे इसका सही जवाब नहीं पता है तो मैं इसका जवाब नहीं देता। अच्छा दूसरा, पढ़ने में टाइम तो लगता है, 30 मिनट है, 45 क्वेश्चन है, रीजनिंग भी है, तो हर चीज़ समय लेती है, ऐसा नहीं। अभी बड़ा बड़ा जब पढ़ना पड़ता है तो समझ में आता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अगर एक मिनट से ज़्यादा खाने लगा और खा जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उस कंडीशन में क्या होगा, कितने क्वेश्चन कर पाएंगे आप, तो छूट जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये गलती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत माने रहती है। प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा होता है सर, कि जैसे क्वेश्चन दिखा सेम क्वेश्चन, जैसे अभी पढ़ रहे होंगे तो तुमको कई क्वेश्चन क्या मिल रहे होंगे, सेम टू सेम मिल रहे हैं इनको। यहाँ का पूरा अगर प्रैक्टिस कर भी ले रहे हो तो 100% यहीं से है, कुछ बाहर नहीं है, तो सेम टू सेम मिल रहे हैं। तो आप जैसे देखेंगे आप खट्टे से क्या मारेंगे, नहीं तो आपको चारों ऑप्शन में भी R&D करना पड़ेगा। तो टाइम पे वही प्रेशर तो है जिसमें आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। बरहाल हमारे बच्चे करते हैं, वी गेटिंग वेरी नाइस सिलेक्शन, हमें बहुत अच्छा मिलता है, हम 80-90% बेटा स्कोर कर रहे हैं रिजल्ट्स को। हमारे चार बच्चे जा रहे हैं तो चार में आप समझिए कि कई कई सेंटर का ऐसा रिकॉर्ड है 4 के 4 होके आ रहे हैं, तो ऐसा कोई डाउट नहीं रहा, बिकॉज वो प्लान थे, तैयार थे, बट ऑनेस्टली उसमें हमारा अजूबा कुछ नहीं है, उन्होंने भी उस हिसाब से काम करके खुद को क्या बनाया बेटा, बेहतर बनाया। इसलिए मैं रोकता नहीं हूँ, वो कहने को 14 दिन का प्रोसीजर है, बट हर बच्चे को मैं यही कहता हूँ कि जब तक तुमको ना लग जाए कि अब मैं मेंटली क्या हूँ पूरी तरह से तैयार हूँ, वो 14 दिन लगे, 28 दिन लगे, 42 दिन लगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आपका पूरा टाइम आपके पास है। आप खुद को अच्छा करिए बेटा, कैंपस का हिस्सा बने रहिए, और जब लग जाए कि नहीं अब डन, अब मुझे कोई दिक्कत वहाँ जाने में, तभी आप जाएंगे, उससे पहले यहाँ से नहीं जाएंगे, उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं मांगेगी कंपनी, ठीक है। हाँ बेटा जी, 6 क्वेश्चन के आसपास आपके रहेंगे, बट बहुत जेन्युइन होता है, और थोड़ा भी पढ़े लिखे हो तो उसको मारने में 2 मिनट का समय, ऐसे भी टिक कर दो कोई, हाँ कोई बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, मतलब लुल्ल टाइप के। हाँ भाई बोलो जी। अब ये आपको बताएंगे कहाँ मारना होता है जी, आप पूछो OMR क्यों होती है, चेक भी करना है उसको, रिजल्ट भी निकालना है, रिजल्ट अनाउंस करना है, 100 लोग खड़े हैं, मैनुअल तो 3 घंटा चेक होगा ना जी, इसीलिए OMR का भी प्रैक्टिस क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। स्टार्ट जैसे 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, सुनिएगा आप लोग ध्यान से, सीट होती तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से इससे कनेक्ट कर पाते। जैसे कि है एक प्रश्न की हिज फ्रेंड वॉज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन इन हिज साइड रो, मतलब उसका जो फ्रेंड है वो एग्जाम में क्या कर रहा है भैया, चीट कर रहा है। ही डॉट डॉट ऑप्शंस, पहला कंप्लेन टू द टीचर वो चीट कर रहा है, अच्छा डिस्कस हो चुका है, वेरी गुड। अब यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है इंटरेस्टिंग उठ करके आपका बेटा, कि जो चौथा ऑप्शन आप लगाने जा रहे हैं रीजन क्या है, रीजन समझ पाए कि नहीं। अब इसमें भी 2 चीजें हैं, जैसे ठीक है डिस्कशन किया आप लोगों ने दैट इज ओके, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों नहीं हो सकता है। बच्चा जो है एग्जामिनेशन को एग्जामिनर को कंप्लेन तो कर ही सकता था, लेकिन कौन सा फैक्टर यहाँ पे नजर आता तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीइंग अ ग्रुप बीइंग अ टीम आप कंप्लेन कर रहे हैं ब्लेम कर रहे हैं तो ये आपका एटीट्यूड सही डायरेक्शन में नहीं है। बहुत जरूरी है बेटा कि आप वो चीज करें जो एक लीडर को शोभा देती है, और लीडर क्या करता है,
ये किसी भी परिस्थिति को ले जाता है, उसको समझाता है कि गलत बात है और आइंदा इस तरह की आप गलती नहीं करेंगे। पहली बार माफ कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो ये आपको ख्याल रखना है कि पूरे के पूरे सेशन में हर क्वेश्चन का जवाब आपको एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में जाके सोचना है। कैसे सोचना है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसमें जो ऑप्शंस हैं सारे गलत हैं। क्या कोई ऑप्शन गलत है क्या भाई? नेचुरली अगर आपको गाइड ना किया जाए तो आदमी क्या पहला लाइन बोलेगा? कंप्लेन करो, चिल्ला देंगे, हम करते क्या हैं? सर देखो ये नकल कर रहा है, हमको भी दिखाओ बे। मतलब नेचुरल क्या है आदमी? अब इसमें ढकने की जरूरत नहीं कि हम कवच ओढ़ के आए, सर हैं गीदड़ हम भी, बट सर अभी आज शेर की खाल हमारे ऊपर क्या है, हाजिर है। अब तुम समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ये भी तो समझो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि इसका जवाब जब आप दे रहे हों तो जवाब में आपका एहसास होना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये जवाब हमने क्यों दिया। यही आपके पूरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बना देता है। क्या बना देता है? यही आपके थॉट प्रोसेस को क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो जितने जवाब है, चाहे वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस आया हो, चाहे कन्विंसिंग एबिलिटी का हिस्सा रहता हो, चाहे कोऑपरेशन फैक्टर हो, चाहे करेज का एटीट्यूड वहाँ दिखाई दिया हो, चाहे आपके अंदर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप हो, चाहे वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस का सेंस आ रहा हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का सेंस आ रहा हो, तो मेरा ये कहने का मतलब है बेटा कि उसको फील भी करना है आपको। क्या करना भैया? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप फील करके किसी चीज़ का जवाब देंगे बेटा, इट्स ऑलवेज गुड, वो बेहतर होगा और आपको भी लगेगा कि हाँ आई रियली डिड समथिंग गुड, मैंने अच्छा किया। तो इट्स ऑल अबाउट अ नेचुरल फिनोमेना बेटा, ये पूरी जर्नी बहुत नेचुरल है। आपको हर चीज़ को ऐसे इग्नोर, जैसे मान लो कि ये जवाब तुमको कोई दिया, तुम कन्विंस नहीं हो, तो तुमको अपना स्टैंड लेना चाहिए कि सर ये क्यों नहीं हो सकता है। इससे क्या होता है फ़ायदा? कि आपस में दोस्तों में भी आप कर सकते हैं, मना नहीं है कोई चीज़ का। ऐसा क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है बेटा? कि आप रट्टू तोता नहीं बनते हैं, आप उस चीज़ को फील कर लेते हैं और अगली बार वो गलती आप रिपीट नहीं करेंगे। नहीं तो आपका थॉट प्रोसेस वही बना रहेगा, ठीक है ना। एक में तो आपने रट लिया किसी का सुन करके, और दूसरे में क्या निकलेगा जो आप होंगे? तो विचारधारा को अंदर से बदलना है, केवल ऊपर से नहीं बदलना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है सर कि किसी भी जवाब की हम टेक्निकलिटी में जरूर जाएंगे सर कि आखिर इस चीज का ये जवाब है तो क्यों। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? और आप सब बहादुर हैं, किसी भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं मेरी तरफ से, और आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट का विषय हो, क्योंकि आई नो कि किसी एग्जाम को क्रैक करना इतना आसान नहीं है। 3.5 लाख बच्चा बैठता है यूपीएससी में, 6,500-7,000 बेटा 35% में निकालने पे ऐसी की तैसी हो जाती है यूपीएससी की। ये है सच्चाई, मतलब आप समझ रहे हैं इसका कि बौखलों से लोग भरे हुए हैं, सब दिल पे हाथ रख के जवाब मार रहे हैं कि हे भगवान काश हो जाए। कभी कभी एनडीए जैसी चीज़ों में हो भी जाता है, तुम्हारे में तो बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि इतना नंबर आप क्वेश्चन कम है कि एक क्वेश्चन का गड़बड़ी मतलब गया करियर आपका झम से। हाँ, तो इट्स अ वेरी सीरियस नोट, तो मैं समझता हूँ उसकी बारीकी को बेटा, उसकी इंपॉर्टेंस को। बट इन सब के बीच बेटा, इंट्रोडक्शन रोज़ सिखाने वाली चीज़ नहीं है, SRT जेन्युइन प्रोसेस है, बट कंटेंट को रोज पकड़ के चलना है। एक एक टॉपिक खोद डालो एकदम, जब वो टॉपिक शुरू होना आपके सामने, तो इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसका समझना स्ट्रक्चर सर वो बात की बात है, पहले इस टॉपिक को हम हिंदी में समझना चाहते हैं कि असर में ये टॉपिक है क्या सर, और मेरी विचारधारा इसको लेके भी कुछ है कि नहीं है, ये पहले हमारा क्लियर हो जाए सर, बाकी तो पीट देंगे सर। क्योंकि एक बार अगर आप हिंदी में कैपेबल हो गए किसी मुद्दे पे 20 लाइन 25 लाइन अपने थॉट प्रोसेस के आधार पे लिख पाने में, तो उस चीज़ को आपको इंग्लिश बनाने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी। आप उसका हिंदी भी बना लेंगे बेटा और उसका आप इंग्लिश भी बना लेंगे। अब ये आपका हथियार है, और कहते हैं जब अपना हथियार होता है तो अपनी पकड़ होती है, फिर जहाँ मौका मिलता है चलाने में देरी नहीं होती है। तो दूसरों से केवल बेटा आपको गाइडेंस लेना है, और उस टॉपिक की रिप्रेजेंटेशन किसके क्या क्षेत्र में है, तो वो आपके ही माइंडसेट से निकल के आनी चाहिए। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।